उधर बैठ के इंजॉय कर रहे हो ना, ठीक है आप पैसे भेजो या ना भेजो, हम नहीं मानते आपसे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? हाँ छोटे सुना, कैसा है? तबीयत से ठीक है? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा भैया तनख्वाह मिल गई है क्या? हाँ छोटे मिल गई है तनख्वाह, कल ही मिली है मुझे। तो आपको तो पता है ना कि फसलें भी नहीं पकी हैं अभी तक, घर का राशन भी लेना है, मैंने अपनी फीस भी पे करनी है, तो कुछ पैसे भिजवा देते। हाँ हाँ तुम परेशान ना हो, मैं पहले भिजवाने वाला था, मैं अभी जाता हूँ वो करवा देता हूँ, तुम रिसीव कर लेना। जी याद से भिजवा देते ना, ठीक है अभी मुझे कोई काम है, मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ और याद से पढ़ाई बहुत खूब से करना, कोई टेंट अलो बस सुन। बाद में बात करता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चल ठीक है, चलो ठीक है मैं काट देता हूँ, ठीक ओके। अहमद भाई तेरा रेंट रहता सी यार, मैं एक दो दिन के अंदर जल्दी भाई कर देना, मुझे जरूरत है, बस एक दिन दे दे। ठीक है ओके मैं आ रहा हूँ आपसे, फिर मैं ले ले। हाँ छोटे। हेलो भाई कुछ पैसे भिजवा देते यार। यार अब भाई मैंने कुछ दिन पहले तो 10,000 रुपये सेंड किए हैं और अगली सैलरी मेरी आई भी नहीं अभी तक, तो इसमें मेरा कौन सा कसूर है? आपको पता भी है कि सैलाब ने हमारी फसलें सारी तबाह कर दी हैं, ऊपर से इतनी महंगाई है, तो आप तो उधर लाहौर बैठ के बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपको क्या पता हमारा हालात क्या चल रहा है? अच्छा यार नाराज क्यों होते हो यार? मैं ये नहीं कह रहा था यार, बात तो सुनो। अच्छा यार सॉरी, माजरत यार मैं भिजवाता। तो आपको कौन सी टेंशन है हमारे हालात ठीक हों या ना हों? आप तो उधर बैठ के इंजॉय कर रहे हो ना, ठीक है आप पैसे भेजो या ना भेजो, हम नहीं मानते आपसे, ठीक है ना। तो मैं कुछ करता हूँ यार, यार ऐसे ना करो, मैं कराता हूँ। तंग किया हुआ है इन्होंने तो। अब घर वालों को कौन समझाए कि प्रदेश में रहना और कितनी टेंशनों के साथ एक इंसान रहता है। या अल्लाह मदद फरमा।